नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस वक्त पूरे ही देश भर में अलग अलग राज्यों में विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है केंद्र सरकार। जी हाँ, इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी किसी ना किसी मुद्दे को लेकर इस वक्त विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। जहां एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जो GST बढ़ाया गया, उसके चलते विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर पलटवार कर रहा है। वहीं दूसरी ही तरफ जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ऐसे कई अहम फैसले ले रही है जिसके चलते विपक्ष की मुश्किलें काफी ज्यादा पड़ चुकी हैं। बात करेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनी। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM हैं देवेंद्र फडणवीस। और इस नई सरकार के नेतृत्व में किस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय कई बड़े और अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और उनकी पार्टी के सांसद संजय राउत इस वक्त ED की हिरासत में है। 22 अगस्त तक उन्हें ED की हिरासत में रहना पड़ेगा। आर्थर रोड जेल में वह बंद हैं और ऐसे में देखा जाए तो संजय राउत की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आपको बता दें, पात्रा चौल घोटाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। संजय राउत के साथ साथ उनकी पत्नी वर्षा और उनकी बेटी का नाम भी सामने आया है। लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। जिस तरीके से ED लगातार उन्हें बार बार अपने दफ्तर बुला रही है, दरअसल आपको बता दें, नेशनल हेरल्ड केस के चलते इस वक्त कांग्रेस की हाईकमान सोनिया गांधी की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। उनसे बार बार पूछताछ की जा रही है और अब तक कई ठिकानों पर छापेमारी भी की जा चुकी है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधायक बाहुबली कही जाने वाले मुख्तार अंसारी, जो लंबे वक्त से जेल में बंद हैं और ऐसे में देखा जाए उनकी मुश्किलें अब भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जो एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं और उनकी सरकार के नेतृत्व में किस तरीके से अब छापेमारी की है ईडी ने। जी हाँ, आपको बता दें, ईडी की टीम उनके घर पहुंची और उनके घर छापेमारी की और तकरीबन 12 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। इसी बीच देखा जाए तो मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस बीच तमाम राज भी खुल रहे हैं। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती के जरिए आज हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के बारे में। बात करेंगे यहां पर उनकी पत्नी के बारे में, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के चलते उनकी पत्नी की दिक्कतें भी बढ़ती हुई नजर आई थी। सालों पहले एक बार फिर से वह काफी ज्यादा सुर्खियों में देखने को मिली थी। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पूरे ही देश भर में इस वक्त अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लगातार निशाने पर बनी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि प्रवर्तन निदेशालय जिस तरीके से छापेमारी करती हुई नजर आ रही है, कई दिग्गज अनुभवी नेताओं के घर पर, ऐसे में उन नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने आपको बताया ही, शिवसेना के सांसद संजय राउत के बारे में, कांग्रेस की हाईकमान सोनिया गांधी के बारे में, जिससे कि सियासी माहौल देखने को मिला है। लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी, जिन्हें बाहुबली कहा जाता है, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई स्थानों पर छापेमारी की है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी दी गई और कहा गया है कि यूपी के गाजीपुर, लखनऊ, दिल्ली में स्थित परिसरों पर तलाशी ली गई है और यहां पर मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। अंदरूनी सूत्रों की माने ये दावा किया गया है कि ईडी रिपीट। साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें,
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गाजीपुर में जो छापेमारी की गई है, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के साथ उनके करीबियों के ठिकानों को घेरा गया है और इस कार्रवाई की शुरुआत में ही शहर में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के करीबियों पर जब छापेमारी की गई, उस दौरान सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस को भी बाद में सूचना दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है इस वक्त ईडी। सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि कार्रवाई का उद्देश्य मुख्तार अंसारी के खिलाफ धन संशोधन रिपोर्ट, मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आपराधिक धाराओं के तहत जो जांच चल रही है उसके संबंध में सबूत इकट्ठा करना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास रिपीट जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्तार अंसारी जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद हैं, 5 बार के पूर्व विधायक हैं और इस वक्त वह जेल में बंद हैं और उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्तार अंसारी पर जमीन हत्या ने जबरन वसूली के साथ साथ कई आरोपों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। तकरीबन 50 मामले बताए गए हैं और इन्हीं मामलों में अब ईडी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। ऐसे में देखा जाए तो तमाम राज भी खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं मुख्तार अंसारी के फैमिली के बारे में। बात करेंगे यहाँ पर उनकी पत्नी के बारे में, जो एक वक्त काफी ज्यादा विवादों से घिरती हुई नजर आई थी। जी हाँ, जब योगी सरकार ने उन पर शिकंजा कस दिया था, जब उनकी पत्नी की मुश्किलें काफी ज्यादा पड़ गई थी। दरअसल आपको बता दें, गाजीपुर पुलिस ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके 2 सालों पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया था। वहीं मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी हैं और उनके भाई सरजील रजा व अनवर शहजाद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था और इसकी रिपोर्ट सदर कोतवाली थाने में दर्ज की गई थी और उसी मामले में उनकी पत्नी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आई थी। जानकारी के लिए आपको बता दें, अफसा अंसारी के बारे में सदर कोतवाली क्षेत्र के छावनी लाइन पर और बवेड़ी इलाके में कुर्क जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करने के चलते साल 2019 में ये केस दर्ज किया गया था। साथ ही साथ उनके भाइयों पर भी। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी पर सरकारी धन के गबन के आरोप में साल 2016 में भी एक केस दर्ज किया गया था और इसी की वजह से उनकी पत्नी की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ती हुई दिखाई दी थी। इतना ही नहीं, साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें, योगी सरकार के नेतृत्व में अफसा अंसारी के खिलाफ ऐसे कई कदम उठाए गए हैं। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के फतेह उल्लाहपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लेने के चलते अफसा अंसारी और साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके चलते भी अफसा अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी। दरअसल आपको बता दें, उस गांव में मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके भाइयों के नाम से गोदाम का निर्माण कराया गया था। जानकारी के मुताबिक सामने आया कि ग्राम समाज की जमीन पर अवैध अतिक्रमण की निजी तौर पर गोदाम निर्माण करवा कर अंसारियों की तरफ से इसका प्रयोग किया जा रहा था। ये बात इसी साल की है और उस दौरान भी उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया था, जिसके चलते अफसा की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी थी। साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार पर योगी सरकार के नेतृत्व में कई बार कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की 50 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया था साल 2022 में ही इसी महीने, जिसके चलते भी वह मुसीबतों का सामना करती हुई नजर आई थी। दरअसल आपको बता दें, मोहम्मदाबाद कस्बे में यूसुफपुर गांव निवासी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा रिपीट दरअसल आपको बता दें यूसुफपुर गांव के निवासी मुख्तार अंसारी रिपीट
दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें, अफशा अंसारी पर गाजीपुर और मऊ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया और उसके बाद गिरफ्तारी का आदेश भी दिया गया था। इसके अलावा कई अन्य मामलों में वह कोर्ट में हाजिर तक नहीं हुई थी और पुलिस के मुताबिक 16 फरवरी 2009 को जफरापुरा वार्ड संख्या 18/22 परगना और तहसील मोहम्मदाबाद में जमीन की रजिस्ट्री उन्होंने कराई थी और उस मामले में भी वह फंसती हुई दिखाई थी। इस तरीके से ऐसे कई मामले हैं, कई विवाद हैं, जिसके चलते अंसारी की पत्नी कई दिक्कतों का सामना की है। आपको बता दें, सैदपुर थाने में धारा 283 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज है। गाजीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। मऊ के दक्षिण टोला थाने में भी उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गाजीपुर कोतवाली में धारा 14(1) के तहत उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी उन पर मुकदमा दर्ज है और इसी वजह से योगी सरकार उनके खिलाफ कई बड़े एक्शन लेती हुई दिखाई दी है। आप सभी ने देखा जाना मुख्तार अंसारी के बारे में। फिलहाल देखा जाए तो उनकी तमाम दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में योगी सरकार जो अहम फैसले ले रही है, इस पर विपक्ष क्या कुछ करते हुए नजर आता है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।